नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। आज डिजिटल इंडिया अभियान के 6 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई नाम योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। 6 साल में भारत में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। कई सारी चीज़ें हैं जो डिजिटली काफ़ी एक्टिव भी हुई हैं, चाहे पेमेंट की सुविधा हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस, फसल का सौदा हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग। डिजिटलाइजेशन के साथ इसकी खूबियों के साथ इसकी कमियां भी निकलकर सामने आई हैं। साइबर फ्रॉड से लेकर डेटा माइनिंग के खेल ने विकास की तस्वीर पर कहीं ना कहीं बट्टा लगाने का काम किया है। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। आज से 6 साल पहले डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी। ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास सपनों में से एक है। आज 6 साल पूरे होने के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई नाम योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई नाम पोर्टल इसलिए बनाया गया ताकि किसान देश की सभी मंडियों में अपनी फसल का सौदा कर सकें। इस पोर्टल पर किसान और व्यापारी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा, आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली। टीकाकरण के दौरान दुनिया के कई देश कोविन ऐप में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके देश में भी इस योजना का लाभ मिले। कोविड काल में हमने अनुभव किया कि डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया है। कल्पना कीजिए कि अगर डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं होती तो कोरोना में क्या स्थिति होती। डिजिटल इंडिया मतलब सबको अवसर, सबको सुविधा और सबकी भागीदारी। भारत के सामर्थ्य, भारत के संकल्प और भविष्य की असीम संभावनाओं को समर्पित है। आज का दिन हमें ये याद दिला रहा है कि एक राष्ट्र के रूप में सिर्फ 5-6 वर्षों में हमने डिजिटल स्पेस में कितनी ऊंची छलांग लगाई है। साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। इसको पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे हुए हैं। आज 6 साल डिजिटल इंडिया अभियान के जरूर हो गए हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई भारत में वो विकास हुआ जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आज एक क्लिक पर आपको हर जानकारी मिल जाती है, लेकिन एक क्लिक ही आपकी सारी प्राइवेसी को भंग कर देता है। आज सारी सुविधाएं आपके फोन में मौजूद हैं, तो साइबर क्रिमिनल भी आप पर हर वक्त निगाह रखते हैं। आज साइबर क्राइम का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और गांवों की बात की जाए तो ना अभी वहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा है और ना ग्रामीण जनता इतनी जागरूक और शिक्षित है कि वो ऑनलाइन सुविधाएं आसानी से ले सके या फिर ऑनलाइन फ्रॉड से बच सके। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2016 के मुकाबले वर्ष 2018 के बीच साइबर क्राइम में 2.5 गुना से अधिक का इजाफा हुआ। कंप्यूटर से संबंधित अपराध के मामले सर्वाधिक पाए गए हैं। इसके अलावा ATM, ऑनलाइन धोखाधड़ी, यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग, निजता का हनन आदि से संबंधित अपराध भी इसका हिस्सा बने हैं। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत को भले ही 6 साल हो गए हों, लेकिन ग्रामीण भारत में जब तक सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी तब तक सच में डिजिटलाइजेशन का लाभ पूरे देश को नहीं मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा को आधार बनाया गया, लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को यह सुविधा मिल पाई? इसका जवाब नहीं में आता है। डिजिटलाइजेशन के अपने फायदे हैं तो अपने नुकसान भी हैं।
आज मोबाइल के एक क्लिक पर आप पेमेंट कर सकते हैं, तो वहीं एक क्लिक पर ही आपके अकाउंट से पैसा गायब किया जा सकता है। जब युवा किसी नौकरी का फॉर्म भरता है तो कई बार साइट क्रैश हो जाती है, जिसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं कोरोना काल में वैक्सीन लगवाने के लिए जब ऑनलाइन बुकिंग की गई तब भी साइट क्रैश होने की खबरें सामने आई थी। वहीं साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम भी डिजिटलाइजेशन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। भारत में लगभग 1.5 अरब की आबादी निवास करती है और सभी तक सुरक्षात्मक ढंग से डिजिटलाइजेशन का लाभ पहुंचाना एक टेढ़ी खीर है, लेकिन भारत पहले से एक कदम आगे जरूर बढ़ा है। लेकिन इस बढ़ते कदम में कई जगह लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की बात की, आज से 6 साल पहले डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद तमाम तरह से सरकार ने अपनी कोशिशों के ज़रिए हर अंचल को डिजिटलाइज करने की जो कोशिश है वो की है। लेकिन हम आज की तारीख में कहां पर खड़े अपने आप को पाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत में 80% से ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण अंचल में निवास करती है। अब ग्रामीण अंचल के लोगों तक क्या वाकई में नेटवर्क कनेक्टिविटी है? क्या वहाँ पर लोग इतने जागरूक हैं कि जिस डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है उसको वो लोग समझ पाए? क्या वाकई में हम अपनी बात उन लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं जहाँ पर आज भी लोग स्मार्टफोन की जगह जो ऑर्डिनरी फ़ोन है वो इस्तेमाल करते हैं, और जो सुविधाएं आज की तारीख में आम जनता को स्मार्टफोन पे उपलब्ध हैं, क्या वो सुविधाएं वो लोग उन फ़ोनों के ज़रिए हासिल कर पा रहे हैं? तो तमाम तरह के सवाल हैं और आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। प्राइम टीवी पर आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ, हमारे इस पैनल में कई लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ अर्थशास्त्री भी हैं, और हम सरकार से भी सवाल करेंगे और पूछेंगे कि 6 साल में जिस डिजिटल इंडिया की बात सरकार ने कही है उस 6 साल में क्या कुछ सरकार के द्वारा किया गया है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आज मैं आपका अपने मेहमानों से परिचय करा दूं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी जी। भूपेंद्र तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्राइम टीवी की डिबेट में। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट रुद्र प्रताप दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आलोक त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शबनम पांडे जी जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शबनम जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आज से 6 साल पहले डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी, सरकार ने ये दावा किया था कि हम हर पंचायत तक वाईफाई उपलब्ध कराएंगे, क्या स्टेटस है उसका? देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने जिस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर का जाल फैलाने की बात करी थी, 2024 तक 50 लाख किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने का काम किया था, जिससे कि गांव-गांव तक हमारे सभी, भारत के सभी क्षेत्रों तक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और इसकी सीमा 2024 तक का रखा था, 2020 तक का देखा जाए तो 28 लाख किलोमीटर तक काम हो चुका है, और ये काम बहुत ही तेजी से प्रगति पे है। और आपने देखा होगा इस पेंडेमिक के समय में जिस तरीके से डिजिटल इंडिया के सहारे से भारत आगे बढ़ा है और भारतवासियों को जो सुविधा मिली है, इसका उदाहरण पूरा विश्व देता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यूपीआई ट्रांजैक्शन का ग्रोथ देखा जाए इंडिया में, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंडिया में ग्रोथ किया है। पहले अगर कैश ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो आम आदमी कैश ट्रांजैक्शन करने में डरता था, घबराता था, लेकिन अब
धड़ल्ले से सोशल डिस्टेंसिंग की जो हमें कोरोना में प्रोटोकॉल मानना पड़ा, उसको देखते हुए लोगों ने डिजिटली आम आदमी भी एक छोटे से छोटे घर में एक छोटा से छोटा दुकानदार डिजिटली ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करता था और लोग ट्रांजैक्शन करते थे। स्कूल कॉलेजेस में देखा जाए बच्चों ने उससे पढ़ाई की, और इस इंटरनेट ने ना केवल हमारे एकेडमिक इसको किया, अगर हम अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम तमाम तरह कोई की चीज़ें। हमारा वर्ल्ड सवाल के सिर्फ इतना था कि जिस तरह से पंचायतों को वाईफाई से जोड़ने की बात कही गई थी, हर पंचायत में वाईफाई पहुंचाने की बात कही गई थी, उसका आपने जवाब दिया कि ऑप्टिकल फाइबर का जो लक्ष्य है वो 2024 तक तय किया गया। रुद्र प्रताप जी, 24 मैं तक 50 लाख किलोमीटर तक का जी तय जी किया जी गया रुद्र था। प्रताप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस डिजिटल इंडिया की बात हो रही है आज की तारीख में, क्योंकि आप भी तमाम देशों को जो वहाँ की जो साइबर पॉलिसीज़ हैं, वहाँ की जो कार्य प्रणाली है, आप उसको काफ़ी करीब से देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, ऐसे में आज हम, हमारा जो इंडिया है वो डिजिटल इंडिया की बात पर किस जगह हम अपने आप को पाते हैं? यूएन में मीटिंग हो रही थी साइबर सिक्योरिटी को लेकर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जी, उतने वक्त भारत सरकार ने इंटरनेट पे होने वाली उस मीटिंग में ब्राज़ील को अपना नेता चुन लिया था। तो इंटरनेट की उस समझ से निकल के अगर हम 2021 में ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे अगर मैं इस डिबेट में घर से जुड़ना चाहता तो स्काइप के लिंक के सहारे जुड़ जाता। आपके इस शो को बाद में यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा जिसका आप लिंक जनरेट करेंगे। अगर मैं स्टूडियो से बाहर निकलूंगा तो गूगल मैप का सहारा लेते हुए कहीं चला जाऊंगा, जोमेटो से ऑर्डर कर दूंगा, मूवी अड्डा से मूवी देख लूंगा, मेरे बच्चे इतने वक्त ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम इंटरनेट की इस दुनिया में हैं जहां वो सरकारों से परे जा चुका है, अब इंटरनेट हमारी निजी ज़रूरत है, हमें आवश्यकता है इंटरनेट की। सरकार देखिए, ये सरकार की का बात ही नहीं है, इंटरनेट आने वाले हर समय में बढ़ता जाएगा, सरकार इसे अपनी ग्रोथ नहीं मान सकती, ये तो इंटरनेट की ग्रोथ है, बिल्कुल कल वो और बढ़ेगा, परसों और बढ़ेगा, ये तो प्रसार होता ही जाएगा। ये एक अब निरंतर ये प्रक्रिया है जी, आप आज किसी पान वाले के पास भी चले जाएं वो पेटीएम का यूज करता हुआ मिल जाएगा, कहीं भी चले जाएं। हमें जो जरूरत है, हमें दीक्षा जैसे प्रोग्राम की जरूरत है जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिस्कस भी किया जी, हमें ऐसे प्रोग्राम्स की जरूरत है जहां पे हम ई लर्निंग को गांव के बच्चों तक ले जा सकें। एक्चुअली क्या है, वो जो बढ़ते बच्चे हैं अगर हमने उन्हें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ को जगा दिया तो वो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है। हम लोग अब ब्लॉकिंग की दुनिया से आगे बढ़ गए हैं। भारत पिछले 6 साल पहले किसी साइट को या तो ब्लॉक करता था या तो चलने देता था, वो ये नहीं जानता था कि साइट की रीच को भी घटाया जा सकता है, साइट को एक शिकायत अधिकारी ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करने के लिए भी कहा जा सकता है। ट्विटर पे जब भारत सरकार की ने अपनी पॉलिसी चेंज की तो उसने सबसे पहले मैंडेटरी कवर हटाया, उनका कानूनी सुरक्षा कवच हटाया, अब ट्विटर पे FIR आप दर्ज कर सकते हैं। और ट्विटर क्या कर रहा था, या कोई भी सोशल मीडिया क्या करती है, वो यहाँ पे आती है लाभ के उद्देश्य से, लेकिन फिर वो आपको बाद में सिखाने लगती है देश कैसे चलता है। भारत ने इस रवैये को चेंज किया है और पिछले 2.5 साल में इंटरनेट की सिक्योरिटी में टॉप 10 के देश में आके भारत ने ये दिखाया है कि इंटरनेट पे ना उसकी समझ बेहतर हुई है बल्कि काम करने की शैली भी बेहतर हुई है। बिल्कुल जी। अभी हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। आलोक जी, डिजिटल इंडिया की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, शबनम जी ने भी अभी कहा कि डिजिटल इंडिया ही वो एक ऐसी चाबी थी जो कि इस कोरोना पेंडेमिक में काफ़ी काम आई है, क्या कहेंगे? नहीं, हम तो यह कहेंगे कि यह डिजिटल इंडिया ही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी चीज़ों के लूप पॉइंट्स को खोल के रख दिया, चाहे बैकुंठ धाम में जलती हुई लाशें हों या एम्बुलेंस में लोग जो मर रहे थे पेंडेमिक टाइम में, उन चीज़ों को हो। तो यह तो सच बात है कि आज की डेट में इंटरनेट देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में या हर एक इंसान की जरूरत बन गया है। दूसरी चीज़, अभी शबनम जी ने एक बात कही कि 50 लाख किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया 2024 तक, 28 लाख किलोमीटर तक हमने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। मुझको जरा एक चीज़ शबनम जी से पूछनी है इसी क्वेश्चन के माध्यम से कि जरा हमको बताएंगी कि किस उत्तर प्रदेश में किस कोने में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछ रहा है? मुझे लगता है पिछले 7 साल में 100 किलोमीटर नहीं बिछा होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के ठेकेदार थे वो कहीं ना कहीं परिचित थे, एक दूसरे से वाद विवाद होता रहता है। तो उन्होंने कहा भैया पिछली बार काम बहुत तेज चल रहा था, अभी सब बंद पड़ा है, ना रिलायंस कर रहा है ना दूसरी कंपनियां कर रही हैं। इन्होंने रिलायंस को बहुत कुछ देने की कोशिश की, उस पर एयरटेल वोडाफोन ने
अपने आप को विड्रॉ किया, जहाँ भी पॉलिसी थी गवर्नमेंट से भी उन्होंने बात रखी, यूएनओ में भी बात रखी। तो इनका एक जो उद्देश्य है, जो ये बताना चाहते हैं कि हमने डिजिटलीकरण किया, ये भूल रही हैं, इनको भी याद होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोग फिफ्थ सिक्स्थ या फोर्थ की पोजीशन में रहे होंगे जब पढ़ रहे थे, तो एक स्वर्गीय राजीव गांधी जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा भारत मेरा बने जो किसान खेत में काम करता है मैं उससे सीधे बात कर सकूं, ऐसा भारत बनाना चाहता हूँ, ऐसा एक ये हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर लाना चाहते हैं। हमारे देश में कंप्यूटर को जो लाने का जो काम किया है वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी किया है। हमारे साथ हमारे अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे एक, एक, एक मैं आपके सवाल का जवाब भी उनसे मांगूंगा जी, जी, जी। एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं क्योंकि हमारे डिबेट का समय लंबा है, एक घंटे का समय है, आप सवाल पूछिएगा लेकिन हमारे एक मिनट एक अपनी बात पूरी कर लूं। दूसरी चीज, जिस चीज के लिए आज ये इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इनके प्रधानमंत्री जी या हमारे प्रधानमंत्री जी या इस देश के प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी, मुझे नहीं पता वो किसके प्रधानमंत्री हैं, हम लोग तो अपना प्रधानमंत्री मानते थे, लेकिन जब आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 19 लाख लैपटॉप बांटा था एक साथ एक अपनी 2012 की सरकार बनते ही, तो यही भाजपा के लोग थे जो उस चीज़ को जूझना कह रहे थे। मुझे लगता है आज बहुत सारे बच्चे होंगे जो उस लैपटॉप के जरिए कोई रोजगार कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आगे बढ़ गया, कोई अपनी दुकान चला रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं उसका लाभ आपने भरपूर फायदा मिला पहुंचा है। तो मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ करना चाह रही है तो उसको सही तरीके से। चलिए आपके इस सवाल का जवाब भी हम शबनम पांडे जी से लेंगे। भूपेन जी, एक बड़ी चीज जो इस डिजिटलाइजेशन के बाद सामने निकल कर आई, तमाम लोग ये आरोप लगाते रहे और आप एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया की जब बात की जा रही है तो ये भी है कि कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो कम होते जा रहे हैं, ऐसे में डिजिटल इंडिया और रोजगार इन दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जब राजीव गांधी जी ने टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया था टेक्नोलॉजी को और उन्होंने इस कंप्यूटराइजेशन की बात करी थी तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया था कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे जी। और इससे धीरे धीरे जब समय आया तो इससे ये पता चला कि लोग बेरोजगार तो नहीं हुए, हाँ इससे रोजगार जरूर बढ़ गया, रोजगार के अवसर बढ़ गए, रोजगार के नए नए एवेन्यूज खुल गए और लोगों के काम करने की क्षमता बढ़ गई। पहले हम टिकट का रिजर्वेशन कैसे करा लेते थे और कहाँ से कहाँ तक करा लेते थे, आज रेलवे की क्षमता और एविएशन सेक्टर की क्षमता सिर्फ इसलिए बढ़ी है क्योंकि हम कहीं से बैठ करके कहीं का भी टिकट बुक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कहाँ की सीट खाली है और कहाँ से हमें कहाँ तक जाना है और किस जगह पे हम सीट बुक कर सकते हैं। हर टेक्नोलॉजी जब आती है, इंट्रोड्यूस होती है, तो उसके कुछ अपने प्रोस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं बुरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन बेरोजगारी लाई हो ऐसा कुछ नहीं है। नंबर दो, जब डिजिटलाइजेशन की बात शुरू हुई तो डिजिटलाइजेशन ने इकोनॉमी में कई तरह के चेंज लाने शुरू किए। जैसे आप देख लीजिए, इंटरनेट ने साइबर कैफे खोलने साइबर को शुरू किया, साइबर कैफे से कितने लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, नंबर दो। इसके बाद फिर आइए जरा सा, आप जीएसटी जब आया था तो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन सरकार ने एक बहुत बड़ा सुधार किया था टैक्सेशन के क्षेत्र में और इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी थी। अब वो क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि जिस ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं वो डिजिटलाइजेशन की ही वजह से। अगर जीएसटी को हम चाहते कि मैनुअली कर लें तो शायद जीएसटी इंप्लीमेंट आज नहीं, आज के 50 साल बाद भी नहीं हो पाता अगर डिजिटलाइजेशन ना हुआ होता। जनधन योजना की बात कर लीजिए, डीबीटी की बात कर लीजिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अगर डिजिटलाइजेशन ना हुआ होता तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं हो पाता। आप याद करिए वो समय जब आप एक गैस सिलेंडर बुक करने के लिए, एक गैस सिलेंडर लेने के लिए चार चार पाँच पाँच छः छः घंटे लाइन में लगते थे। आज की डेट में हम अगर सुबह बुक कर रहे हैं और दोपहर में गैस सिलेंडर हमारे घर पे आ रहा है तो उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन से हमें ये पता है कि डीबीटी के माध्यम से इसकी जो सब्सिडी है वो हमारे, अब तो खैर सब्सिडी है ही नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है बहस का, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सुबह बुक कर रहे हैं और दोपहर में हमारे घर पहुंच रहा है तो ये सिर्फ है डिजिटलाइजेशन की वजह से। अगर हमने कोरोना काल में ट्रैकिंग जो की
एक एक पेशेंट की ट्रैकिंग करी या जो टीके की ट्रैकिंग हुई कि कितने लोगों को टीका एक दिन में कितना लग पाया, कोविन पोर्टल के माध्यम से या रूरल एरियाज में क्या पोजीशन रही, वो सिर्फ डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हुई। हाँ, ये है कि भूपेन जी, एक चीज आपने ट्रैकिंग की बात की, तमाम ऐसे भी देश थे इस कोरोना पीरियड में जिन्होंने वाकायदा न सिर्फ ट्रैकिंग की बल्कि वो सारी सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं जो उनको जिसकी उनको दरकार थी, और हमारे देश में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। अब उसका मैं एक उदाहरण आपको दे दूं, हम आज लखनऊ में बैठे हुए हैं, यहाँ पर जब किसी इंसान को एडमिट कराना होता था, किसी मरीज़ को एडमिट कराना होता था, तो उस वक्त CMO की जो पर्ची है वो मांगी जाती थी। राइट, अब देखिए, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि CMO की पर्ची से काम हो जाएगा? मैं वही चीज समझना चाह रहा हूँ, क्या इस ओर भी कदम उठाए जा सकते हैं? मेरी बात तो समझिए, मैंने उसका बड़ा अच्छा पहलू का बोला था। आपने ये कैसे माना कि CMO की पर्ची से काम हो जाएगा? ये इसीलिए माना कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आपको पता था कि यहाँ सीट खाली है, बेड खाली है, ये आपको मालूम था, क्योंकि आपको मालूम है कि कितने पेशेंट हैं अंदर और कितने पेशेंट पे बेड आपके नहीं एडमिट हैं और कितने पे हम जुआड़ लगाएंगे तो हो जाएगा। पहले तो आपको यही नहीं पता चलता था जो अस्पताल की पोजीशन। आप देखिए, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर हर जगह चोरी होती है, बिल्कुल हर जगह उसके दूसरे पहलू भी होते हैं। अब हम उसका उपयोग कितना करना चाहते हैं ये निर्भर करता है इम्प्लीमेंटेशन करने वाले पर। इस कोरोना काल में या तो जितने बच्चों ने पढ़ाई करी है पिछले एक साल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यद्यपि मैं मानता हूँ कि साक्षरता दर हमारे यहाँ 74% है, पूरे इंडिया में 2021 की साक्षरता दर कंबाइंड रूप से 74% है, और आज भी 80% जो ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है वहाँ पर या तो बिजली का अभाव है या तो गाँव में, मैं भी 2.5 महीना गाँव में रह कर आया हूँ और इसलिए मुझे लखनऊ आना पड़ गया कि बच्चे वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी, बच्चे क्लास ही नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे भाग के फिर लखनऊ वापस आना पड़ा, नहीं तो अभी गांव में 2 महीने में और रहता। तो अभी ये प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है, लाइट कट गई, अब लाइट में मोबाइल ही नहीं चार्ज है, तो ये शबनम जी है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है कि आज भी हमारा जो ग्रामीण परिवेश है या जो ग्रामीण इलाका जिसमें हम लगातार ये बात कहते हैं कि हमारा एक बड़ा हिस्सा, हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण अंचल में रहता है, ऐसे में वहां तक जो नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। वो एक मैं थोड़ा सा और जोड़ दूं, देखिए अभी जवाब सुनिए, मैं आपको भी मौका दूंगा। जी शबनम जी, निश्चित तौर पे अभी बहुत से ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां की डिजिटल जो ऑप्टिकल फाइबर है ब्रॉडबैंड मिशन, इंडिया ब्रॉडबैंड मिशन के तहत उसको फैलाने की अभी भी काम जोर शोर से चल रहा है। हमारे सपा के साथ ही हर बात पे राजनीति करने के लिए मुझे लगता है ये उस्काते हैं या ये आरोप की ही राजनीति करते हैं। अगर ये ब्रॉडबैंड की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि इतने लंबे समय से केंद्र में चाहे किसी और की सरकार रही या उत्तर प्रदेश में, बिजली तक तो गांव में आज हमारी सरकार पहुंचा रही है। ब्रॉडबैंड मैं उन्हें आंकड़े भी दे देना चाहती हूँ कि ब्रॉडबैंड ईस्टर्न यूपी में 17,903 ग्राम पंचायत में पहुंचाया जा सका है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के राज में, और वेस्टर्न यूपी में 10,481 ग्राम पंचायत में, और अभी 60 दिनों के अंदर 14,100 ग्राम पंचायतों में और पहुंचाया जा सका है, और ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। 2022 तक उन्होंने कहा है कि लगभग वो सभी ग्राम पंचायतों को 75 जिलों में टच कर जाएंगे, और जब हम बिजली गांव में पहुंचा रहे हैं, ऑप्टिक ब्रॉडबैंड बिजली जैसी समस्याओं से भी हमारे गांव के लोग जूझ रहे थे। ऑप्टिकल फाइबर का एक सवाल भी हमारे जो साथी हैं, हमारे जो मेहमान हैं, उन्होंने पूछा था, उसका भी जवाब दीजिएगा। आएगी ना ब्रॉडबैंड आएगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन और बिजली कनेक्शन आज की सरकार जितनी संवेदनशीलता के साथ दे रही है, इसलिए जनधन योजना के तहत तमाम गरीब लोगों को DBT के माध्यम से उन्हें लाभ दिया गया इस कोरोना काल के अलावा भी सामान्य समय में भी। तो अगर देखा जाए तो जो DBT के माध्यम से हमने डाला, वन राशन वन नेशन का जो हम एजेंडा लेके चले उस पर हम काम कर रहे हैं, तमाम ऐसे काम अगर देखा जाए, देश में पहली बार ई बजट पेश किया गया, उत्तर प्रदेश में ई बजट पेश किया गया, उत्तर प्रदेश के सचिवालय को
पूरी तरीके से हमने डिजिटल करने का काम किया। जिस तेजी से हमारी सरकार कर रही है, देखिए लैपटॉप बांट देने से या कुछ बांट देने से ये समस्या का हल नहीं है। पहले हम कनेक्शन देंगे तब तो उसमें लोग काम करेंगे। इन्होंने लैपटॉप बांटा और इनके लैपटॉप बाजारों में बिक रहे थे क्योंकि बच्चों के किसी काम नहीं आया और उसी लैपटॉप का हर समय ये जो है ढिंडोरा पीटते। तो कम से कम जो मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में डिजिटल इंडिया का जो एक लहर चलाया है और जिसको लोग अपनाने को पूरी तरीके से सामने आए हैं, वो निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। भले ही ये आरोप की राजनीति करते रहे पर आंकड़े अगर देखा जाए तो इनके पास शून्य है। इनके पास कोई आंकड़े नहीं है, कितने गांव में बिजली नहीं थी वो भी नहीं बता पाएंगे। ये सवाल भी मैं पूछूंगा, लेकिन हमारे साथ भूपेन तिवारी जी जुड़े हुए हैं। उनकी भूमिका बहुत अहम है आज के इस पैनल में क्योंकि वो साइबर एक्सपर्ट हैं। भूपेन जी, हम आपसे कुछ चीजें जानना चाहते हैं। अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, ऐसे में जब साइबर क्राइम की बात आती है तो साइबर क्राइम में ऐसे कौन से सबसे ज्यादा मामले हैं जो पिछले छः साल में मैं माफी चाहूंगा, हमारे साथ जो रुद्र प्रताप दुबे जी जुड़े हुए हैं, मैं गलत नाम ले गया, रुद्र प्रताप जी, ऐसे किस तरह के मामले हैं साइबर क्राइम में जो ज्यादातर सामने निकल कर आए? जी, मैं पहली बात तो एक बात क्लियर कर दूं कि अधिकतर राजीव गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वो लैपटॉप कंप्यूटर लेके आए और तकनीकों को लेके आए। देखिए, कंप्यूटर जब आया था तब वो एज ए मशीन आया था, उसे मशीनीकरण कहते हैं। उसके एक दशक के बाद जाके ये इंटरनेट की सुविधा आई। जब वो आया था तब वो वर्ल्ड पैड पे काम करने के लिए आया था, लोगों ने पेज छोड़ के प्रेस के सभी लोगों ने उस पर काम करना स्टार्ट किया था, फाइल के तौर पर सेव करना शुरू किया था। तो मशीनीकरण था, तकनीकीकरण ही, पहली बात तो ये चीज है। दूसरी बात, देखिए साइबर क्राइम जो सबसे ज्यादा आते हैं वो आते हैं मनी ट्रांसफर को लेके। जितने भी बड़े केसेस आते हैं, 1756 केसेस पिछले 3 महीनों में कोविड के टाइम में रजिस्टर्ड हुए हैं और भारत सरकार ने एक नंबर भी जारी कर दिया उसके लिए, 15-0-702। उसमें उन्होंने कहा है कि बैंक आपको सीधे टोकन देगा, उस टोकन को आपको ये दिखाना पड़ेगा कि क्या आपके साथ फ्रॉड हुआ है। बैंक अगर आपके बैंक से पैसा रुक रहा है, निकला है, तो तुरंत उसको रोक देगा, और अगर किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गया है तो वहां रोक देगा। एक चैन आ रही है। देखिए, ये एक समझ है, इंटरनेट एक प्रक्रिया है, एक समझ है, ये धीरे धीरे विकसित होती है। अगर आप ये समझ जाएं कि अगर आप फेसबुक पे आप महाभारत के किस चरित्र से मिलते हैं, जैसे किसी ऐप को डाउनलोड करके जानना चाहते हैं कि आप कर्ण की तरह दिखते हैं, अर्जुन की तरह, तो आप अपनी फेस मैपिंग फेसबुक को दे रहे हैं। ये एक समझ है, जब आप करते हैं तब आपको पता चलता है कि जब आपके पास व्हाट्सएप का कोई मैसेज आता है ऊपर कि हैप्पी बर्थडे, तो व्हाट्सएप आपको एक के साथ टेम्पलेट देता है थैंक यू का, बस आप थैंक यू दबा दें चला जाएगा। तब आप समझते हैं कि व्हाट्सएप आपके मैसेजेस को पढ़ रहा है। जब मेल आपको आती है उसके नीचे टेम्पलेट्स होते हैं, तब आप जानते हैं कि मेल आपके पढ़ने से पहले आपके मेल को पढ़ रहा। इंटरनेट एक समझने की प्रक्रिया है। जब आप समझते हैं तब आप जानते हैं फ्रॉड इस जगह पे हो रहा। जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं वो पूछता है कि आपके माइक्रोफोन का एक्सेस चाहिए, तो आप सोचते हैं कि फोटो ऐप को माइक्रोफोन का एक्सेस क्यों चाहिए, जाहिर सी बात है ये हमारी बातें सुनना चाहता है। ये एक समझ है, ये प्रक्रिया है, ये गांवों में धीरे धीरे पहुंचेगी। अभी तक हम अपने गांवों के स्वास्थ्य सुझावों से सुसज्जित नहीं कर पाए, तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि 5 साल के अंदर हम उन्हें इंटरनेट की समझ विकसित करा देंगे, तो ये चीज बेहतर नहीं है। हमें पहले काम करना होगा यूनिवर्सिटीज लेवल पे इंटरनेट को पाठ्यक्रम के तौर पे शामिल कराने के लिए पहल करने की। क्या कोई सरकार सोच रही है ऐसा? बिल्कुल। सोशल मीडिया एक बड़ी चीज है, सोशल मीडिया पे बर्ताव एक बड़ी चीज है, बिहेवियर एक बड़ी चीज है, सोशल मीडिया अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए। कौन सरकार इसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने पे विचार कर रही है, पहले इस पे विचार होना चाहिए। बिल्कुल शबनम जी, क्या इस पर विचार किया जाना जरूरी नहीं है? क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ जो रुद्र जी बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि सोशल मीडिया का हर हाथ में पहुंचना ये भी एक बहुत बड़ा टूल है, लेकिन उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है हमें ये भी सिखाना होगा। इसके लिए सरकार क्या तैयारी कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पे किसी भी तरीके की अगर जो नई चीजों का इजाद होता है, उसके इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं, सही करते हैं या गलत करते हैं, ये इस्तेमाल होने के बाद ही पता चलता है। और जब इस्तेमाल होने के बाद इनकी जो खामियां निकलती है उस पर निश्चित तौर पे सरकार की नजर रहती है। आप आए दिन न्यूज में देखते रहे होंगे कि सरकार ने जिस तरीके से ट्विटर को, फेसबुक को समय समय पे, या व्हाट्सएप को, या जो टिकटॉक चलता था उसको बंद किया, तमाम पे लगाम लगाए गए। ये सारी प्रक्रिया इसी के तहत है। जब आप किसी चीज का ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं
तो उनकी जो कमियां है वो सामने निकल कर आती है और उन कमियों पर सरकार विचार करती है, उस पर कानून लाती है या जिस तरीके के भी लगाम लगाने होते हैं सरकार लगाती है। और हमारी सरकार इस पर लगातार बहुत तेजी से काम कर रही है, मुझे लगता है आप सभी लोग इससे अवगत भी हैं। तो समय के साथ साथ जिस तरीके से इसके इस्तेमाल को के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है और इसके सही इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया गया है, आगे सरकार इस पर विचार करके इस पे जिस तरीके की भी एक चेक एंड बैलेंस की प्रक्रिया करनी होगी उस पर भी सरकार काम कर रही है। साइबर क्राइम के तहत साइबर क्राइम को पकड़ने का भी काम किया जाता है। आप देखिए, साधारण जीवन में लोग कहते हैं शिक्षित हो जाएंगे तो ये करेंगे, पहले ये भी एक धारणा थी, जैसे महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था, शिक्षित हो जाएंगी तो ऐसे करेंगी वैसे करेंगी, लेकिन शिक्षित होने के बाद आज महिलाएं परिवार का भरण पोषण के साथ साथ देश और प्रदेश का नाम भी रोशन कर रही हैं। वैसे ही अगर देखा जाए तो साइबर क्राइम ने जिस तरीके से हमारे जीवन को आसान किया है, तो कुछ पहलू ऐसे भी हैं जहां की हम परेशान भी होते हैं, लेकिन सरकार की नजर उस पर लगातार रही है, सरकार उस पर काम कर रही है और बहुत हद तक उस पर सरकार ने अपने लगाम लगाए भी हैं। आलोक जी, आप पर ये आरोप अभी लगाया गया है और शबनम जी ने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर आपकी सरकार लैपटॉप की बजाय बिजली और जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी, अगर आपने उस पर ध्यान दिया होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। पहले तो शबनम जी से मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि जो आपने आंकड़े दिए ये सरकारी आंकड़े हैं और सरकार के आपके नुमाइंदों ने आंकड़े दिए जो कि प्रशासनिक अमला आज की डेट में आपके हाथ से निकल चुका है। दूसरी चीज, आप धरती पर क्या हो रहा है, जमीन पर क्या हो रहा है, ग्राउंड जीरो पे क्या है, ये बेहतर पब्लिक जान रही है। कोरोना काल में लोगों ने देख भी लिया है। मुझको लगता है कि शायद इस उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा परिवार या ऐसा कोई व्यक्ति बचा हो जिसके परिवार में इस पैंडेमिक के टाइम में कुछ ना कुछ लूज ना किया हो, कुछ ना कुछ खोया ना हो। किसी ने अपने को खोया, किसी ने पराये को खोया, लेकिन कहीं ना कहीं हुआ है, हर एक गांव में कुछ ना कुछ हुआ है। दूसरी चीज, आप जो ग्रामीण अंचल की बात कर रहे हैं कि जहां लाइट लगाने की बात, आपने दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजना चलाई, वो किसके नाम से चलाई, जो कि ग्रामीण, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना चल रही थी, उसी विद्युत योजना का नाम बदल करके आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना का नाम दिया। मुझको नहीं लगता है कि आज तक आपने एक भी गांव को विद्युत पहुंचाई है, अगर पहुंचाई है तो पर्टिकुलर उस गांव का नाम बता दिए। मैं एक साख में 1000 गांव आपको गिना सकता हूं शबनम जी, और आज आप अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखिएगा, अपनी तरफ से लिखिएगा और मुझ पर आरोप लगाते हुए लिखिएगा कि समाजवादी पार्टी के एक साथी ने इस तरीके का आरोप लगाया है। एक गाँव नहीं है, एक गाँव, मेरा गाँव ग्रामीण राजीव गांधी विद्युत ग्रामीण योजना के तहत जुड़ा हुआ था, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तहत काटा गया। 400 जनसंख्या पर ग्रामीण विद्युत योजना के तहत, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के तहत विद्युतीकरण में सेलेक्ट हुआ था। उस पर कच्ची बिजली लेकर के, कच्ची बिजली समझते हैं आप, जिस पर मैंने खुद से जेई और चीफ से बात करके खुद से अपने गांव में बिजली दिलाने का काम किया, और उसके बाद 14 कनेक्शन करने पर परमानेंट बिजली कनेक्शन उस गाँव में हुआ। ये स्थितियां हैं आपकी सरकार की। दूसरी चीज, आपके पास जो 14,000 13,000 12,000 11,000 के जो दो रोज रोज आंकड़े देती ना सरकार, आपके ही मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया था, सुबह ट्वीट किया था कि 16 लाख लोगों को नौकरियां दी, शाम को ट्वीट किया 75 लाख लोगों को नौकरियां दी, और एक और ट्वीट था, एक कोई दीपेंद्र पाल करके लड़का था गोरखपुर का, जिसको सरकारी नौकरी मिलने पर आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े एहतराम से उसका वो किया था कि हमने इसको जॉब दिया, नौकरी दिया इसको, उत्तर प्रदेश में एक जगह रोजगार। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम आपको किसी दूसरी डिबेट में बुलाएंगे। हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक जा रहे हैं। शबनम जी ये तीनों ट्वीट शबनम जी, ये तीनों ट्वीट आदरणीय मुख्यमंत्री जी को डिलीट करने पड़े थे, ये चीज आप पता करिएगा। और आप रही बात किस बात को कहने की, तो ये पेपर की आंकड़ेबाजी बंद करिए। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि आप किस रास्ते देश को ले जा रहे हैं। आप इसी सोशल मीडिया का सहारा लेकर के देश और प्रदेश में आए थे, आज इसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप देश और प्रदेश से जा रहे हैं। आपकी आखिरी यात्रा शुरू हो चुकी है, अंतिम समय शुरू हो चुका है, जिसका आगाज आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन से हम लोगों ने शुरुआत की है। आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी के जन्मदिन से आज एक एक कार्यकर्ता ने
इसी सोशल मीडिया के माध्यम से, इसी इंटरनेट के माध्यम से आपको संदेश देने का काम किया है और आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। उन्नाव जनपद में, उन्नाव जनपद में अभी क्या हो रहा है और पूर्व में आपकी सरकार में क्या हुआ, इससे जी आपके नेताजी का आज जन्मदिन है उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं हम उस पर बात करना चाहेंगे। मुझे स्क्रीन पर लाइए, मैं अपने पीसीआर सहयोगी से कहूंगा और मेरा सवाल अब भूपेंद्र जी से है। भूपेंद्र जी, हम लगातार डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं लेकिन क्या वाकई में आज हम वो सुविधाएं अपने ग्रामीण परिवेश में पहुंचा पाए हैं जिससे, जिस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जा रही है, क्या वो सुविधाएं हैं हमारे ग्रामीण के लोगों के पास या ग्रामीणों के पास कि वो ऑनलाइन एजुकेशन पर वो निर्भर हो सके? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन का मैं आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। ग्रामीण परिवेश में दो समस्याएं थी, एक बिजली की जी और दूसरा था नेटवर्क की प्रॉब्लम। और ये केवल शिक्षा के लिए ही नहीं, ये आपके वर्तमान में कोरोना काल में जब आप टीकाकरण कर रहे थे तो उसके लिए भी ये था कि नेटवर्क होना प्रॉपर जरूरी है। कई बार होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में जब लाइट नहीं होती है तो टावर को लाइट नहीं मिलती है, उसके बाद वो नेटवर्क चला जाता है, वो पूरा एरिया ब्लैकआउट हो जाता है। ठीक है, अब ग्रामीण क्षेत्र में बिजली को लेकर के सरकार ने 1912 नंबर एक जारी किया था और उसको लेकर के ट्विटर पे भी कई बार लोग शिकायत कर रहे थे। अब ये इसका फायदा है, बेनिफिट है कि आप जिस शिकायत को कर रहे हैं वो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम या पूर्वांचल पे पहुंच रहा है, सब कुछ पहुंच रहा है। हमने लगातार करना शुरू किया, 12 ट्वीट के बाद, 12 बार कंप्लेन करने के बाद, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, श्रीमान डीएम अम्बेडकर नगर ने मुझे क्या किया, ब्लॉक कर दिया। ये देखिए, व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया और ट्विटर पे भी ब्लॉक कर दिया। तो ये उसका फायदा है कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। एक सामान्य नागरिक को एक डीएम बढ़िया बाकायदे ट्विटर और उस पे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर रहा है। खैर, क्योंकि मैंने 12 बार शिकायत किया था बाकायदे नंबर डाल करके, ये मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए, ये उपलब्धि है, ये डिजिटल इंडिया की उपलब्धि है कि डीएम अम्बेडकर नगर ने मुझे ब्लॉक किया, तो ये उपलब्धि। दूसरी चीज, अब ये देखिए, हमारे ही गांव की बात कर रहा हूं, मैंने ये किया क्यों था, उस दिन कैंप लगा था टीकाकरण का और बार बार एक ही प्रॉब्लम आ रही थी कि वो ऐप ही नहीं चल रहा था क्योंकि नेटवर्क ही नहीं था। नेटवर्क ना होने की वजह से लाइन लगी हुई है लेकिन टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली से कनेक्टिविटी नहीं है, बार बार ट्रिपिंग हो रही है, बार बार उसको कोई सुनने वाला नहीं है। आज देखिए, मुझे कहने में कोई नहीं है कि इस शासनकाल में सरकार जो अफसरशाही है वो बेलगाम हो चुकी है, नंबर एक। दूसरी चीज ये है, फायदे क्या है, अब इसमें या तो इस डिजिटलाइजेशन का फायदा उठा करके पूरे कोरोना काल में बच्चे पढ़ते, और या तो ये डिजिटलाइजेशन अगर ना हुआ होता या ये जो आज हम कर रहे हैं ये ना हुआ होता तो बच्चे या तो घर पे बैठे होते चुपचाप बैठ करके और समय का नुकसान करते। बात यही है, पढ़ाई तो की जाती, लेकिन मैं आपको एक वाकया मैं बता दूं, हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर मुझे बताया कि एक गांव था, वहाँ पे एक बहुत ही जो उनकी जो आजीविका है उसका कोई बहुत ज़्यादा साधन नहीं था, तो उन्होंने अपनी आजीविका को ही दांव पे लगा दिया। अब मैं बताऊँ आपको कैसे, उन्होंने अपनी जो भैंस है उसको बेच दिया और उसको बेच के वो मोबाइल लेकर आए कि हमारे बच्चे की पढ़ाई हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देखिए तो ये इस तरह की तमाम, देखिए मैं भी वो समस्या को फेस कर रहा हूं। क्या हम वो सुविधाएं मुहैया करा पाए हैं? मेरी बात समझिए, मैं उस समस्या को खुद फेस कर रहा हूं एज ए प्रोफेसर। जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके यहाँ नेटवर्किंग की प्रॉब्लम नहीं है, आवाज नहीं पहुंच रही है, कई बार वो बेचारे कुछ कहना चाह रहे हैं, हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं उनको उस तरीके से नहीं समझा पा रहा हूं जिस तरह से मैं क्लास में खड़े होकर के बताता था। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और जो एक दिन में नहीं दूर की जा सकती। अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी जितने स्कूल खुले हैं वो बच्चे बेचारे अभी भी व्हाट्सएप और डिजिटलाइजेशन का वही उपयोग नहीं कर सकते हैं जो डीपीएस इंदिरा नगर का या लामार्ट का बच्चा जिस तरह से यूज कर सकता है, स्वाभाविक सी बात है। अब हाई स्कूल इंटर की बात कर लीजिए, मैं और दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ आपको, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कर लीजिए और दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर लीजिए, मैं दोनों एकदम, मैं चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, मैं वहाँ आज भी जुड़ा हूँ, एलुमनाई एसोसिएशन में हूँ, मुझे कुल मालूम, सब मालूम है। अब है क्या, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र ज्यादातर पूर्वांचल का होता है और ज्यादातर ये पश्चिमांचल के ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के बच्चे होते हैं, उनमें आज भी वो डिजिटलाइजेशन की प्रॉब्लम है क्योंकि वो चले जाते हैं गांव और गांव पर नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी थोड़ी बहुत भी शिक्षा का जो
है वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ही हो पा रहा है। अगर हम कुछ नेटवर्क के माध्यम से, जैसे अगर डिजिटलाइजेशन ना होता तो हम उन बच्चों से एकदम से कट जाते, जो कुछ भी आज कर पा रहे हैं ये नहीं कर पाते। इस कोरोना काल में हम कुछ भी नहीं कर पाते, या तो एकदम इकोनॉमी को ठप कर देते। दूसरी चीज ये है कि इकोनॉमी को संचालित करने की बात करिए, जब जैसे अभी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होता है? अगर आप एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं आप, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ऑनलाइन कराओ। अब ऑनलाइन कराने की भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल मंडियों में ई नैम योजना जो लागू की गई है उसके अपने प्रॉब्लम है। ऑनलाइन कराने में जब किसान जाता है तो वो किसी न किसी जा करके सर्विस सेंटर पे ही करा पा रहा है, ये बात सही है कि वो खुद नहीं कर सकता, लेकिन जा करके करा रहा है, उसका बेनिफिट तब उसको मिलता है। अभी अपने से करता बेचारा तो वो बढ़िया से कर लेता, लेकिन हाँ ठीक है, 10-20 रुपया 50 रुपया दे करके एक लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और उनका काम भी हो जा रहा है, तो ठीक है। इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी है, एक निगेटिव पक्ष है कि सारे किसान उतने शिक्षित नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सारे किसान ये जानते हैं कि हम फला जगह जाएंगे, उस सर्विस सेंटर पर जाएंगे तो हमारा ये ऑनलाइन हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बता दूं, जैसे पहले खतौनी निकलवानी होती थी, खतौनी के साथ साथ नकल निकलवानी होती थी या खसरा निकालना होता था, कम से कम पहले 100-150 रुपया खर्च करना पड़ता था। ठीक है, हमें मालूम है, हम आज जाएंगे और कंप्यूटर पे एक सर्विस सेंटर पे जाएंगे, उस सर्विस सेंटर से कहेंगे भैया कि हमारी नकल निकाल दो, नकल निकाल दिया और एक क्लिक पर हमें ये पता है कि हमारा ये खेत है। तो हर चीज के अपने एक प्लस पॉइंट होता है, उसका निगेटिव पॉइंट होता है। निगेटिव पॉइंट क्या है कि बहुत सारे लोगों के जनधन अकाउंट खुले, अब जनधन अकाउंट खुल तो गए, अब सरकार एक तरफ आप पर प्रेशर डाल रही है कि भैया सारे ट्रांजेक्शन ई ट्रांजेक्शन करो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, कम से कम ट्रांजेक्शन करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, लेकिन अब ऑनलाइन पेमेंट पे बैंक क्या कर रहे हैं, सर्विस चार्ज लगा दे रहे हैं। चेकबुक पर सर्विस चार्ज आज से ही, आपने स्टेट दुनिया का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक जो है उसने क्या किया कि 10 से ज्यादा अगर चेकबुक लेते हैं, चेक की पर लेते हैं तो उस पर चार्ज लगा रहा है। तो देखिए ये कुछ चीजों पर कहीं ना कहीं सरकार को नकेल लगाने की जरूरत पड़ेगी। नंबर तीसरी बात जो एक साइबर एक्सपर्ट ने हमारे कहा था, हम कई ऐप जब एक्सेस करते हैं तो वो हमारे माइक्रोफोन फोन का एक्सेस मांगता है और हमारे गैलरी का एक्सेस मांगता है, गैलरी का एक्सेस मांगता है। अब मुश्किल है कि अगर उसको डिनाई कर दीजिए तो वो ऐप नहीं चलता, और अगर आप एक्सेस दे दीजिए तो वो हमारा माइक्रोफोन हमारी बातों को सुन रहा है। आप एक बार गलती से सर्च कर लीजिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक फ्लाइट चाहिए, आपको उस फ्लाइट का पूरा, अब उस रूट की सारी चीजें आपके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सब पे आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर सरकार की भूमिका शुरू होती है कि कोई ऐसा कानून लाए कि भैया ये थोड़ा सा बंद करो, आप उस पे अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर एक बार आप सर्च कर लीजिए कि हमें फला चीज चाहिए, टीवी चाहिए। अब आप टीवी से उससे रिलेटेड जितने भी विज्ञापन हैं आपको आने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ बिना कुछ मांगे आपको देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, इसके लिए एजुकेशन और जागरूकता, आप एजुकेटेड हैं, अरे नहीं आप जागरूक हैं, आप एजुकेटेड हैं, सब कुछ है। अब इसका रोकने का तरीका अब हमें नहीं मालूम है ना, कि हम एज ए इकोनॉमिस्ट हम वेल एजुकेटेड हैं, हमको मालूम है कि हमको एक्सेस नहीं देना चाहिए, लेकिन हम मजबूरी है कि अगर अमेजोन पर हमने सर्च कर लिया तो वो हमारे फेसबुक से लेकर के व्हाट्सएप पर इस तरह के विज्ञापनों की बाढ़ लग जाएगी। लेकिन भूपेन जी, हम जिस डिजिटल इंडिया के लिए बैठे हुए हैं आज, जिस डिजिटल इंडिया पर डिबेट कर रहे हैं, एक तबका ऐसा भी है जो डिजिटल इंडिया को कहते हुए वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और उसको बहुत शोषण भी, उसका शोषण भी किया जा रहा है, वो शोषित है। कहा जा रहा है कि जो इंसान पहले ऑफिस में जाके 8 घंटे काम करता था, उससे अब वही जब घर से काम कर रहा है तो उससे 12-12 और 14-14 घंटे काम कर रहा है। साक्षात प्रमाण, मैं बैठा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो उसका प्रमाण हूँ। हम लोग जा करके सवेरे 9 बजे जाते थे और 5 बजे तक हम अपना क्लास लेकर के या जो भी पढ़ाना होता था पढ़ा करके खत्म कर देते थे, लेकिन आज हम उससे ज्यादा क्लास भी ले रहे हैं, उनसे ज़्यादा बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा हम उनको असाइनमेंट और वो सारी चीज़ें भी करा रहे हैं। इसके बावजूद जब पेमेंट देने की बारी आती है तो 50%। बिल्कुल, तो उसका प्रमाण तो हम हैं। रुद्र प्रताप जी, साइबर एक्सपर्ट की जब हम बात करते हैं, ऐसे में आज अगर हम देखें तो आज की तारीख में और देशों की तुलना में हम आज किस जगह पर खड़े हुए हैं? क्या वाकई में इन 6 सालों में हमारा भारत उतना आगे बढ़ा है? जी बिल्कुल बढ़ा है। फेसबुक का नेट जो वर्थ है वो 23% बढ़ा है, 70% लोग रीएक्टिवेट यूज़र हैं। अगर 100 में से 70 लोग फेसबुक
100 में से 100 लोग फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 70 लोग रेगुलर आते हैं, वो या तो इमेज डाल रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं या इनबॉक्स में चैट कर रहे हैं। ट्विटर का यही परसेंट 34% है और व्हाट्सएप का 96% है। तो अगर कोई आज के समय में एक्स वाई जेड मीडिया हाउस ये घोषित करता है कि वो भारत का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है तो मत मानिएगा। आज का सबसे बड़ा मीडिया हाउस व्हाट्सएप और फेसबुक है। बिल्कुल, एक खबर पे दंगा कराने में सक्षम, यहाँ पे सरकार के डिजिटल होने की पोल खुलती है, यहाँ पे पकड़ की सामने आता है कि कैसे पकड़ नहीं है। अगर श्रावस्ती, सहारनपुर, गाजीपुर में दंगा हो रहा है तो इंटरनेट में एक वर्ड यूज होता है कॉपी पेस्टा, जिसे आके हम लोग कॉपी पेस्ट कह देते हैं, बट वो इंटरनेट पर कॉपी पेस्टा के तौर पर यूज होता है। ट्विटर को मालूम है कि पहला ओरिजिन यहाँ से हुआ, इन्होंने लिखा ऐसा 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 हुआ, उसके बाद आपने कॉपी किया, फिर मैंने कॉपी किया, फिर इन्होंने कॉपी किया। लेकिन अगर सरकार पूछेगी कि गाजीपुर में ये स्टेटस कहाँ से स्टार्ट हुआ तो ट्विटर नहीं बजाएगा, क्योंकि उसके पास अमेरिका का कानून लागू होता है। आपने जो अभी सवाल पूछा वो जस्ट यही है कि भारत सरकार में, जैसे अभी आपने कहा कि वर्क फ्रॉम होम में आपके पास समय ज़्यादा लग रहा है, अगर आप भारत में किसी महिला को सड़क पे गाली देंगे, उसके साथ हिंसा करेंगे तो आपको जेल होने की संभावना है। लेकिन अगर वहीं पे आपके आप फेसबुक पे गाली दे दें, बदले हुए नामों के साथ, बदले हुए चेहरों के साथ ट्विटर पे गाली दे दें, तो आपके साथ वो कानून नहीं लागू होता। भारत में इतने बार दो कानून चल रहे हैं, ऑनलाइन कानून, ऑफलाइन कानून, जहाँ पे आपको किसी को भी गाली देने की छूट है, वर्क फ्रॉम होम में 18 घंटे काम करवाने की छूट है, वहाँ पे कोई विश्रम कानून नहीं लागू करता। यहाँ पे जरूरत है सोशल मीडिया एडवाइजर की। हर सरकारें अपना प्रिंट मीडिया एडवाइजर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडवाइजर नियुक्त करती, सोशल मीडिया एडवाइजर कब नियुक्त करेंगे? आप ऑनलाइन एजुकेशन करा रहे हैं, घर में दो बच्चे हैं, दो फोन कैसे होगा, फादर कैसे बात करेगा अगर वो बच्चा उसका एक घंटा पढ़ाई कर रहा, मदर का भी फोन लग गया कैसे बात होगा, ये फोन कहाँ से आएंगे? ये फोन सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए, स्कूल्स को प्रोवाइड करना चाहिए। जब आपके पास आईटी एक्सपर्ट, सोशल मैकेनिज्म समझने वाले लोग होते हैं और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स होते हैं तो वो आपको सलाह देते हैं। तो प्लीज़ कोऑपरेशन को बढ़ाएं। सरकार जिम्मेदार में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सहयोग लेने के लिए तत्पर रहें। जब आप नए लोगों को, नए आइडियाज़ को लेते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स निकलते हैं, तब आपके पास नए सुझाव और वो सुझाव आते हैं जो इंटरनेट की समझ को विकसित करने में सहायक हैं। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें आज हमारी चर्चा में निकल के आईं। हमारे पास अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मैं अपने सभी मेहमानों से अब फाइनल कमेंट चाहूँगा। रुद्र जी, आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपने ट्रांजैक्शन को लेकर बताया कि कई सारे केसेस सामने आए, ऐसे में हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरह से या क्या कुछ ऐसा है जो उस वक्त जहन में रखना चाहिए जब वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और क्या सलाह देना चाहेंगे उनको जिससे वो बच सके। पहली बात, जो 60+ के लोग हैं जी, वो मोबाइल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थोड़ा सा कम करें, क्योंकि वो उतने बेहतर समझ वाले नहीं हो रहे हैं। जितनी ज्यादा फ्रॉड के केसेस बढ़ रहे हैं वो यही पे हो रहे हैं कि वो कैप्चा जो आता है कि आप पहले लिखें, वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें पिन कोड चला जाता है। तो वो अगर आपके अगल बगल कोई युवा है, आपके परिवार में कोई युवा है, तो एक नजर दिखाने की कोशिश करें, ठीक है। दूसरी बात, भारत सरकार को ये पॉलिसी दे देनी चाहिए कि बैंक में सिर्फ ये 3 स्टेप होते हैं, हर किसी को भेजें, फेसबुक पे बताएं, ट्विटर पे बताएं, इन 3 स्टेप के अगर आपसे 4th स्टेप मांगा जा रहा है तो वो अनैतिक है। ये भारत सरकार को बोलना पड़ेगा, ये उन इंटरनेट प्रदाता कंपनियों को बोलना पड़ेगा। और जहां तक 6 साल की बात है, डिजिटल के दुनिया में भारत ने बहुत अच्छी प्रगति की है, जिस तरह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगर आज मैं दिल्ली जाना चाहूँ तो बिना पैसे के जा सकता हूँ, अगर मेरे पास कार है, मैं फ्यूल भराऊंगा पेटीएम से और मेरे पास फास्टैग लगा होगा तो मैं टोल पार कर जाऊंगा। तो आज हम इस दुनिया में हैं जहां पे हम बिना पैसे के काम कर सकते हैं। कोविड काल में जिस तरीके से OTT ने हमारी हेल्प की लोग चीज़ों को समझने में, बेहतर होने में, फेसबुक ने जिस तरीके से हमको सहारा दिया, तो हम ये कह सकते हैं हम लोग बेहतर की दिशा में बढ़ रहे हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। रुद्र जी, आपने फास्टैग की बात की, मेरे जहन में एक सवाल आया इस वक्त जी। मुझसे कई लोगों ने ये भी कहा है कि जैसे फास्टैग हमारी गाड़ी में लगा हुआ है और कई बार वो जब यात्रा कर रहे होते हैं तो टोल टैक्स पे तमाम जो टोल कर्मी है वो ये कह देते हैं कि आपका फास्टैग इस वक्त काम नहीं कर रहा है, उनसे वो पर्ची कटा ली जाती है। आगे जाके थोड़ी देर बाद जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है उनके मोबाइल में एक मैसेज आता है कि आपके फास्टैग से इतने पैसे, इतने रुपए डेबिट हो चुके हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है? ये ऑनलाइन फ्रॉड है, जी इसकी तुरंत कंप्लेन हो सकती है। आप साइबर सेल में कंप्लेन कर सकते हैं, डायल 112 से भी हेल्प कर सकते हैं कि पिछली घटना में हमारे साथ ये हुआ जबकि हमारा टोल नहीं कटा है। वो तो टोल की पर्ची होती है, वो साफ मिल जाती है, तो वो एक घंटे के अंदर सारी चीजें क्लियर हो सकती है, साइबर फ्रॉड हुए। बिल्कुल, यही मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा था और आपके जरिए ये संदेश हमारा जरूर पहुंचा होगा। आलोक जी, सरकार ये कह रही है कि पिछले 6 साल में काफी काम हुआ है,
डिजिटल इंडिया को लेकर जो प्रयास किए जाने चाहिए थे वो किए जा रहे हैं, आपका आखिरी कमेंट क्या है? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि सरकार अगर सही मायने में कुछ करना चाह रही है तो पहले ग्रामीण अंचल में बिजली की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करे, जो इंटरनेट की व्यवस्था है जिसके लिए ये बार बार बोल रही थी अभी मैम, उसके लिए मैं एक बात बता दूं कि आज भी इंटरनेट की स्पीड गांव में 2G से ज़्यादा नहीं मिल रही है, नंबर एक। नंबर दो, युवा को ट्रेंड करने की, और एक साइबर एक्सपर्ट साहब ने अभी लास्ट कमेंट में बोला था आपने मेरे से कि यूनिवर्सिटीज में और कोर्सेज में शामिल होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल, जितने प्राइवेटाइजेशन वाले स्कूल हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं जैसे CMS है एंड DPS है एंड समथिंग, जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, इन लोगों ने तो शामिल कर लिया है CBSE और ICSE ने, लेकिन UP बोर्ड है या बिहार बोर्ड है या जो भी और जो उत्तर प्रदेश और देश में राज्य हैं उनके जो अपने बोर्ड्स हैं जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करती है, वहाँ आज भी टीचरों को समझ नहीं है, बच्चों को समझाने की तो बहुत दूर की बात है, उस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। तीसरे, अभी एक बात लास्ट कमेंट में मैम ने बोली थी कि 5 ट्रिलियन का मतलब एक इकोनॉमी बजट ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया था। मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने 5 ट्रिलियन का बजट दिया था लेकिन आज आपने देश को 5 किलो राशन कार्ड पे ले जाके खड़ा कर दिया है। देश का गांव का गरीब किसान मजदूर नौजवान कोविड में मर रहा है और आप 5 ट्रिलियन की बात करते करते 5 किलो राशन पे ला करके उसको DBT दे रहे हैं, यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में और देश में। लोगों को आपने बेरोजगार बनाया है। शबनम लोगों को बहुत ही संक्षेप में अपनी बात। निश्चित तौर पे देखिए, हमारे सपा के साथी खाली आरोप लगाने पे विश्वास करते हैं। पेंडेमिक से देश और प्रदेश में ही नहीं पूरे विश्व में लोग आहत हुए हैं, बहुतों ने बहुत कुछ खोया है, पर इस पेंडेमिक में एकजुट होके काम करने की जरूरत है, आरोप प्रत्यारोप ना करें। अब अगर इंटरनेट की बात की जाए तो पहले ही हमारे साथी ने मान लिया कि बिजली पहले पहुंचाए, तो निश्चित तौर पर बिजली पहुंचाने और ब्रॉडबैंड पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है, इन्होंने अपनी नाकामी को पहले ही मान लिया। अब देखा जाए अगर इंटरनेट से क्या फायदा हुआ, तो देखिए अभी मैं स्काइप के जरिए आपसे जुड़ी हुई हूँ और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता से जुड़ रही हूँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम केवल यात्रा ही नहीं कर सकते, तमाम तरह की चीजें हैं जो निरंतर प्रक्रिया में आती है। शबनम जी, सरकार को भी अपनी ओर से ये सोचना चाहिए कि हम अगर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो उससे जुड़ी जो जागरूकता अभियान है वो भी चलाया जाना चाहिए। आखिरी कमेंट में अपने हमारे जो भूपेन तिवारी जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा, आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस वक्त सरकार को? देखिए, हम सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं कि सरकार डिजिटल कानून को लेकर के थोड़ा सा सख्ती दिखाए। जहाँ पर एक्सेस की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर जो ऐप या जो कंपनियाँ फ्रॉड करना चाह रही हैं उन पर थोड़ा सा लगाम लगाए, और जो ट्विटर के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है और जो फेसबुक और व्हाट्सएप के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है वो हमारे ख्याल से थोड़ा सा हल्का है। सरकार थोड़ी सी और सख्ती दिखाए, इनको थोड़ा सा अब लगाम लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ेगा सोशल मीडिया पर सख्ती इस वक्त बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का, आप हमारे पास आए और आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहे लाख डिजिटल इंडिया की बात कर ले, लेकिन डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा हो सकता है जब भारत और इंडिया के बीच की दूरी मिटेगी। भारत देश का वो हिस्सा है जहां पर आज भी देश की 80% आबादी निवास करती है, यानी ग्रामीण भारत। आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां नेटवर्क पहुंच से बाहर है और संसाधन सीमित हैं, आबादी में शिक्षा की कमी है। जब हम वाकई में अपने भारत को वो सुविधाएँ मुहैया कराएंगे तभी हम डिजिटल इंडिया के सपने को साकार कर पाएंगे। धन्यवाद।